हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। खुदा का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ अभी बारिश हो रही है और ये कल रात से हो रही है, और ये बारिश एक मिनट के लिए भी कहते हैं ना कि रुकी हो, रुकी नहीं है, मुसलसल रात से बारिश हो रही है। और अभी यहाँ पे हमारे दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है। आवाज़ आ रही होगी या शायद वीडियो में आपको हल्की हल्की सी नज़र आ रही होगी। ऐसे ही कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और कभी जो है हल्की हल्की सी होने लग जाती है, बस ऐसे ही चल रहा है। और ये हमारे यहाँ पे तो जो है मुसलसल बारिशें हो रही हैं और हरियाली ही हरियाली है, आप लोग देख सकते हैं। पौधे वगैरह कितने फ्रेश हो जाते हैं ना जब ऐसे बारिश होती है, तो ऐसे जैसे कहते हैं ना, और भी ज़्यादा खूबसूरती इनकी बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अब जा रही थी किचन में काम करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इतना खूबसूरत ये व्यू है, इतना खूबसूरत यानी कि इसको ज़रूर ना वीडियो में मैंने लेना है कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बड़ा प्यारा हल्की हल्की सी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। यहाँ से आप ये देखिए कि मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं बड़े मोटे कपड़े, मैंने लॉन का सूट पहना हुआ है और मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, बड़ा प्यारा मौसम है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आप लोगों को स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें स्ट्रॉबेरी, एक सेकेंड, ये देखें, ये देखें, ये आई हुई है, ये देखें सारी, और उनका कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता रेड हो रहा है। और ये टमाटर अभी नहीं आए, टमाटर का फूल आ गया। हाँ जी, तो चेरी भी बहुत अच्छी आई हुई है, वहाँ पाकिस्तान में भी आई होगी, तो मैं अभी ले आई थी इसे खाने के लिए। तो आपको मोजिस से मिलवाती हूँ कि मोजिस बैठ के कर रहा है कलर। मैं तो बहुत अच्छा किया, अच्छा चलो ठीक है करो। तो बच्चे आपको पता है हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं, अगर पापा पास हो या बहन भाई हो या मामा हो, तो अभी घर पे मैं अकेली ही होती हूँ इस टाइम, तो पापा तो इसके जॉब पे होते हैं, तो मैं उसे बता रही थी कि इस तरह कलर करो, ये करो, और मुझसे पूछता था कि इसमें मैंने कौन सा कलर करना है, तो मैं बस हंस रही थी इसको देख के। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए सफाई करके, तो फिर अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ जो है गोश्त बना रही हूँ फ्राई, मतलब उसमें आलू नहीं डालूंगी आज मैं, तो वो बस मैंने कहा बना लेती हूँ, मौसम अच्छा था तो ऐसे मौसम में मैंने कहा कि, तो मैंने सोचा कि गोश्त फ्राई कर लेती हूँ। तो पापा के इसके आने में अभी टाइम है, और आप लोग सब बताएं सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? और उसके अलावा बच्चों की छुट्टियाँ हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ तो अभी 8वें महीने में बच्चों की छुट्टियाँ होंगी। यहाँ एक हफ्ते की छुट्टियाँ मोजिस को हुई थी, और उसके बाद जो है अब मोजिस जो है वो 3 तारीख से स्टार्ट होगा वापस जाना, तो आजकल मोजिस की छुट्टियाँ ही हैं, वो घर पर ही है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है प्याज़ों में अच्छे तरीके से गोश्त को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया, मैं अदरक लहसुन डाल के और बाकी सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, कभी मैं प्याज ब्राउन करके निकाल लेती हूँ और फिर टमाटर और जो प्याज है उनको ग्राइंड करके डालती हूँ, और कभी मैं इस तरह भी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं उस तरह ही करूँ, बल्कि मुझे इस तरह ज़्यादा, पता नहीं मुझे लगता है कि इस तरह टेस्ट शायद ज़्यादा आता है, अगर आप प्याज़ों में मतलब अगर चिकन है या गोश्त है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन मैं बना दोनों तरह से लेती हूँ, दोनों तरह से ही अच्छा बन जाता है खाना, चाहे मसाले कुछ भी हों, सेम मसाले दे दो आप 5 लोगों से 4 लोगों से, सेम तरीके से उनको रेसिपी दे दो, लेकिन हर एक के खाने में जो है टेस्ट जो है वो फ़र्क आएगा, क्योंकि ये हाथों का ही होता है सारा कुछ कमाल। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल लिए थे, और ये भी मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डाला था जो पहले आपने देखा है पिसा हुआ, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया। और अब मैं शाम के लिए बनाने लगी थी पॉपकॉर्न, क्योंकि मैं अब ये बना के रख देती हूँ, शाम को टीवी देखते हुए मोजेस मैं और उसके पापा कुछ भी हम थोड़ी देर के लिए जो देखते हैं 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए, तो फिर उसमें जब हम बैठ के ना पॉपकॉर्न इंजॉय करते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे पैकेट्स वाले भी मिलते हैं, ये नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन जो घर पे चीज़ आप बना सकते हो तो फिर आप लोग आपको बना लेनी चाहिए ना, इतनी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, इसमें कौन सा कोई बड़ा बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो अभी यहाँ पे हमारे जो है वो दिन जो है वो काफ़ी देर से डूबता है, रात को जो है 9:30 बजे के बाद जो है अंधेरा होना शुरू होता है। तो अभी मोजिस के पापा आ गए थे, तो मैं जो है सालन मेरा पहले बन चुका था, तो अभी मैं इसको गर्म कर रही थी, तो मैं साथ साथ रोटियां बना रही हूँ, और मैं उनको फिर मैंने कहा था कि मैं साथ साथ बनाती हूँ, आप और मोजिस जो हैं वो खाना खाएं।
तो बस जी, आजकल जो है मौसम के साथ साथ जो है ये ऐसी रूटीन चल रही है जो आप लोगों के साथ शेयर की है, और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये चुन्नू मुन्नू सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।